तो गाइस मैंने क्या बताऊँ, फाइनली जो राइड टर्मिनल थी, दिल्ली की राइड थी, वो कैंसिल हो गई। उनके लोकेशन में पहुँचने के बाद बड़ा मूड ऑफ हुआ। क्या कर सकता था, मैं भी बन चुका था। और फाइनली उसके बाद मेरे पास फिर गुड़गांव की ट्रिप बची, मैं वहाँ के लिए मूव हुआ, वो भी कैंसिल कर दी कस्टमर ने। तो गाइस मैंने अभी फाइनली ट्रिप एक बजी थी ऋषिकेश के लिए देहरादून से, 45 किलोमीटर एक ट्रिप था। तो उस ट्रिप में मुझे 45 या 50 किलोमीटर ट्रिप था लगभग। तो वही ट्रिप मैंने एक्सेप्ट किया और उसको मैं ड्रॉपिंग पॉइंट पाया हूँ। ये थोड़ा सा गांव के इलाका है, तो मैं आपको इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि देखिए आप भी ऋषिकेश के अंदर क्या नज़ारा है गाँव में। तो ये है, और इसके बाद जंगल आने वाला है। सामने जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं वो जंगल है, जो सामने पेड़ पौधा दिख रहा है उसमें निकलता है बड़े बड़े हाथी। तो दिन में ही जा सकते हैं इस रास्ते से, रात को जाना अलाउ नहीं है इधर। और ये बगल में है टेनिस, ये जो पीले लाल कलर का दीवार दिख रहे हैं वो टेनिस का है खेलने का। ये आगे जंगल का रास्ता, और यहाँ पे वन विभाग ने भी बोर्ड पर लगा रखा है कि इस रास्ता में खतरनाक है। और बहुत अच्छा लगा, राइडर भी हमारे अपना दिल्ली के थे, उनका कुछ ससुराल था, उनका शादी वादी था सालेगा, तो वो उधर से इधर आए थे। तो बहुत अच्छा लगा, राइडर ने चाय वाय भी हमें दी पिलाई, नाश्ता भी कराया। उसके बाद उन्होंने बोला बाबू जाओ, जाने की मतलब जाने दिया, नहीं तो जाने नहीं देते थे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। अब ये है जंगल, यहाँ पर निकलते हैं बड़े बड़े शेर, बड़े बड़े हाथी। तो मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि भैया हाथी निकल गए तो मैं क्या भागूंगा। तो गाइस देखते हैं, इस जंगल को क्रॉस करने के लिए 3 किलोमीटर का है, क्योंकि तो मैं इसी रास्ते से आया हूँ अभी, और इसी से रिटर्न जाना है। तो ये शॉर्टकट है, बट मेन रोड पे, मेन रोड से जाने के लिए दूसरा रास्ता है, वो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस है। तो सारे बंदे अभी इधर से ही जाते हैं और इधर से ही आते हैं लगभग दिन में। मैंने राइडर से पूछा भी, भाई ये ऐसा कुछ गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं होता इधर? तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रात में सिर्फ नहीं जाते क्योंकि हाथी वाथी हिरन वगैरह निकल जाता है रोड पर, बाकी दिन में आप जाओ आओ कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें लोग घास काटने आते हैं, 10 तरह की चीज़ें हैं। तो बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही प्यारा लगा ऋषिकेश देवनगरी। तो आप लोग भी आइए घूमिए, और बेस्ट से बेस्ट चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। मंसूरी बगल में है। तो गाइस जब तक के लिए ब्रेक डाउन, फिर मिलते हैं बाहर मेन पर रोड पर निकलने के बाद। देखते हैं कहाँ की ड्यूटी आएगी, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो ये ब्लॉग हो जाएगा बहुत लंबा, तो अगले ब्लॉग में हम बताते हैं आपको। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
आ गया हूँ ये हाईवे पे, जो ये इधर पीछे वाला जो रास्ता है ये ऋषिकेश से आता है और ये सामने जो जा रहा है ये हरिद्वार जा रहा है। तो चलते हैं सुबह नदी की तरफ। कौन है ये ट्रक वाला हॉर्न दे रहा है? कहीं लगाएंगे साइड में गाड़ी और फिर वहाँ से आपको देंगे अपडेट क्या यहाँ की ड्यूटी मिलेगी, क्या करेंगे, क्या दिन भर का आज अपडेट आपको एक ब्लॉक में अगले बताएंगे। अगर मेरी कोई बात आप लोग को अच्छा ना लगे इसके लिए क्षमा चाहूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देख सकते हैं वैसे जगह तो अच्छा था यहाँ रुकने का, बट मुझे रुकना नहीं है, थोड़ा सा आगे चलता हूँ, कहीं साइड में लाऊँ गाड़ी। यहाँ पे आप देखें हरिद्वार, और यहाँ से हरिद्वार ओनली 13 किलोमीटर है और दिल्ली यहाँ से कुछ 200 कुछ है। तो ये अंडरपास है, अंडरपास में क्रॉस कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा नज़ारा है इधर का, देखने का मज़ा ही कुछ और है। आप लोग आइए देखिए इधर हरिद्वार का ट्रिप में, हरिद्वार ऋषिकेश और देहरादून।